और यहाँ पे हम देखेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अराउंड हम 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। साथ ही यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बीए और एमए से ही आते हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है। टीजीटी सिविक्स के नाम से आप जो देते हैं और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, और वैसे तो ये बीए फिफ्थ सेमेस्टर का है। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जीडीएच कोल का है। और ध्यान रखेंगे यदि ऑप्शन में जीडीएच कोल नहीं है तब आप लास्की को लगा सकते हैं, अगर जीडीएच कोल है तो आप इन्हें ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र एक शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, ये सीले का कथन है। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉर्ड्स वर्ड्स जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? तो ये पूछे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण क्या नहीं है, तो सार्वभौम, वयस्क, मताधिकार, ये जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो है उपकरण हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टीवी स्मिथ ने जो है लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा किसने दी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेपी नारायण यानी जो जयप्रकाश नारायण है ये बिहार से संबंधित नेता थे, ये जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे। डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है पूछा जा रहा है, तो सार्टोरी जो है डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक हैं। ये भी मल्टी टाइम देखिए पूछा गया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की जो है तानाशाही होती है? तो ये टॉमस पेन का मानना है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है, बहुमत की तानाशाही होती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रजातंत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप देख रहे हैं कितनी बार ये पूछा गया है, 17, 18, 19, 20, 21 में पूछा गया। तो जो आधुनिक प्रजातंत्र है वो प्रतिनिधि प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है, इसको आप अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कह सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः किससे संबंधित है? तो स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आज भी पाया जाता है, और जो भारत में है वो प्रतिनिधि प्रजातंत्र है जिसको हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता किस में समाहित होती है? तो प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता प्रजा यानी जनता में ही समाहित होती है। प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो सार्टोरी से संबंधित है, ये बहुलवादी विचारक है। प्रजातंत्र किसका शासन है? तो प्रजातंत्र जो शासन है वो जनता का शासन होता है, ये तो आप सबको याद होगा। प्रजातंत्र को जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? तो अब्राहम लिंकन ने। ये आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था आपने। दलविहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो जयप्रकाश नारायण ने, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जे एस मिल जो है उनको अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी या विरक्त प्रजातंत्रवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही, ठीक है, तो ये डी टॉकविले का कथन है और बहुमत की निरंकुशता वो थॉमस पेन से संबंधित थी, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, बहुमत की तानाशाही डी टॉकविले ने कहा है। यह किसने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अवसर होता है और उसे वह विदित होता है कि यह उसके पास है? तो ये लावेल का कथन है, ध्यान रखेंगे, कुछ परिभाषाएँ भी आप लोकतंत्र की याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का समर्थक है? तो लॉर्ड प्राइस जो है लोकतंत्र के समर्थक हैं। सामाजिक प्रजातंत्र किस पर आधारित है? तो ये उपरोक्त सभी, समानता के प्रति प्रतिबद्धता होती है, कल्याणकारी राज्य का समर्थन इसमें किया जाता है और सामाजिक न्याय के आदर्श पर जो है चला जाता है, तो इसमें डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका मेल नहीं हो सकता है? तो प्रजातंत्र और फांसीवाद का मेल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता में शासन होती है और फांसीवाद में निरंकुश सत्ता होती है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस एक ने प्रजातंत्र की अभिजनवादी व्याख्या प्रस्तुत की है? सुम्पीटर, इसमें सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रजातंत्र की अभिजनवादी जो व्याख्या है या सिद्धांत है वो सुम्पीटर ने दिया हुआ है। किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता है? तो नीत्से को लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जाता है, अन्य तीनों हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूसो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के मुख्य अधिवक्ता, ध्यान रखेंगे। प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया? इंपॉर्टेंट है, जे एस मिल ने जो है
प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर भी बल दिया है। लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो इसमें पैरेटो जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता कौन है? अभी मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूसो जो है इसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के मुख्य अधिवक्ता है। अगला कह रहा है कि कौन प्रजातंत्र से मेल नहीं खाता? तो फासीवाद जो है प्रजातंत्र से मेल नहीं खाता है, क्योंकि फासीवाद निरंकुश सत्ता में विश्वास करता है, जबकि प्रजातंत्र जनता के जो है शासन में विश्वास करता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया था? तो जे एस मिल ने किया था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है वो जे एस मिल ने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस पर आधारित है? तो लोकतंत्र जो है वो लोकप्रिय संप्रभुता पर ही क्या है आधारित होता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के सबसे प्रबल समर्थक जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। प्रजातांत्रिक समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद किससे जुड़ा है? जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी के सत्याग्रह का कौन सा एक साधन नहीं था? तो आसान क्वेश्चन है, असहयोग था, सविनय अवज्ञा था, उपवास और सामाजिक बहिष्कार भी था, हिंसक कार्य नहीं था, हिंसा का विरोध करते थे गांधी जी, तो ये साधन नहीं था इनके सत्याग्रह का, क्या हिंसक कार्य। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1936 में किसने घोषणा की कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो ये स्वयं महात्मा गांधी जी ने ही घोषणा कर दी कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है 1936 में। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक का क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इसको, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है, इसीलिए तो इसको प्रजातंत्र या जनता का शासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। वेल्थ ऑफ नेशन को कहेंगे हिंदी में राष्ट्रों की संपत्ति, और कई बार हिंदी में पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे वेल्थ ऑफ नेशन या राष्ट्रों की संपत्ति पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। किसे आर्थिक उदारवाद की बाइबल कहा जाता है? तो वेल्थ ऑफ नेशन को, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, अभी आपने ऊपर देखा, तो ध्यान रखेंगे। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदारवाद जो है व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र ही नहीं अपितु दिमाग में रहने वाली एक आदत है, एक चित्त प्रकृति है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा आशीर्वादम ने कहा है। उदारवाद एक दर्शन है जो अधिकतम कहाँ पनपा? इंग्लैंड में पनपा, और इंग्लैंड के ही एक विचारक हैं जॉन लॉक, उन्हें जो है उदारवाद का जनक या पिता कहा जाता है, ये अमेरिका नहीं होगा। उदारवाद एक दर्शन है जो अधिकतम कहाँ पनपा? इंग्लैंड में पनपा। उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत कब बना? तो देखिए, निश्चित सिद्धांत बना ये 19वीं सदी में, हालांकि इसकी शुरुआत हो गई थी 17वीं सदी में ही, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, एक निश्चित सिद्धांत बना था ये 19वीं सदी में, शुरुआत भले ही 17वीं में हो गई थी, तो सही आंसर सी हो जाएगा। इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? जॉन लॉक थे, और इन्हें उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। देखिए ये कितनी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? तो लॉक था, और लॉक को ही उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विचारक नव उदारवादी नहीं है? तो ग्रीन जो है वो नव उदारवादी नहीं है। निर्भरता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? नव मार्क्सवादियों ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्भरता का सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो नव मार्क्सवाद से संबंधित है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य कैसे होते हैं? तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है साध्य के लिए एक साधन है, क्योंकि उदारवादी जो है राज्य को साधन मानते हैं और व्यक्ति को साध्य मानते हैं। ध्यान रखेंगे, उदारवादियों के अनुसार राज्य क्या है? साधन है। उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत कब बना? तो 19वीं सदी में बना, ये क्वेश्चन ऊपर भी था, इसकी शुरुआत हो गई थी 17वीं सदी में ही, लेकिन 19वीं शताब्दी में ये एक निश्चित सिद्धांत बना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसका संश्लेषण है? तो ये जो संश्लेषण है कल्याणकारी राज, वो उदारवाद और समाजवाद का है, सही आंसर हो जाएगा एक। इनमें से आर्थिक उदारवाद के समर्थक कौन थे? तो जीडीएच कोल थे। आप इनकी परिभाषा भी देखे हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है, व्यर्थ हो जाती है। तो आर्थिक उदारवाद के समर्थक जीडीएच कोल हैं।
राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी ने अभिवचन किया, क्या अभिवचन किया, चिंतन लेखन अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को क्या मानते थे, तो ये राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक उदारवाद से संबंधित नहीं है, तो पूंजीवाद, निजीकरण, समाजवाद, ये सभी जो है आर्थिक उदारवाद से इनका संबंध है, वैश्वीकरण से इनका संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति राज्य के लिए, यह उक्ति जो है किस राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंधित है, तो ये क्या कह रहा है कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, यानी व्यक्ति को अधिक महत्व दे रहा है, तो इसका संबंध किससे होगा, उदारवाद से, क्योंकि उदारवाद व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता है, व्यक्ति को ही साध्य मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है, तो देख लेते हैं, फासीवाद होना चाहिए वैसे आंसर इसका, तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा उदारवाद का, बुर्जुआ राज से कोई मेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद विस्तार से प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, लॉक के द्वारा, और इसीलिए इनको उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। एक दर्शन के रूप में उदारवाद मुख्यतः कहाँ पनपा था, इंग्लैंड में पनपा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है। उदारवाद ने एक दर्शन का रूप कब ग्रहण किया, तो ये 19वीं सदी में इसने जो है एक दर्शन का रूप ग्रहण किया। उदारवाद का अर्थ क्या है, तो उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। वह दार्शनिक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह दार्शनिक जिसने क्लासिक उदारवाद को आधुनिक युग में एक प्रकार के कल्याणवाद में बदल दिया, वो है जॉन रॉल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, इन्होंने शास्त्रीय उदारवाद यानी क्लासिक उदारवाद को कल्याणवाद में बदल दिया। निजी संपत्ति सामाजिक न्याय की मांग है, ये उदारवाद का उदारवादी विचारक ऐसा कहते हैं। समाजवाद का मूल तत्व क्या है, तो समाजवाद का जो मूल तत्व है वो है स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं हो सकता, तो व्यक्तिवाद का भी हो सकता है, लोकतंत्र का भी, और आदर्शवाद का भी हो सकता है, उदारवाद से किसका मेल नहीं हो सकता, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है, जॉन लॉक को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। उदारवाद का मूल तत्व क्या है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभी ऊपर भी हम पढ़े हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक है उदारवाद। पारंपरिक उदारवाद का चरित्र कैसा है, तो ये तटस्थ है, सही आंसर डी हो जाएगा। उदारवाद का मूल तत्व क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभी आपने देखा ऊपर भी। कौन सा राजनीतिक दृष्टिकोण उदारवाद से संबंधित है, तो वर्ग विहीन समाज जो है ये क्या है, कौन सा दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है, तो देखिए उदारवाद में प्रतिस्पर्धी समूह जो है पाए जाते हैं, वर्ग विहीन समाज ये नहीं होगा, कौन सा उदारवाद से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, प्रतिस्पर्धी समूह। कॉरपोरेट राज्य के सिद्धांत की व्याख्या कौन करता है, तो उदारवाद करता है। अगला क्वेश्चन है कि विचारधारा जो निजी संपत्ति को समाप्त करने का समर्थन करती है कौन सी है, तो निजी संपत्ति को कौन समाप्त करना चाहेगा, पूंजीवादी राज्य के विपरीत जो राज्य होगा वही निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहेगा, क्योंकि पूंजीवाद तो निजी संपत्ति को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ताओं का लोकतंत्र किसे कहा जाता है, पूंजीवाद को, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा होता है और उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प होते हैं, अधिक च्वाइस होते हैं, तो इसलिए उपभोक्ताओं का लोकतंत्र पूंजीवाद को कहा जाता है। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता किसमें होती है, तो पूंजीवाद में होती है। व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किस विचारधारा में किया जाएगा, ये भी पूंजीवाद में किया जाएगा। पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन क्या है, पूंजीवाद ही है। किस विचारधारा के अनुसार सभी संपत्ति चोरी की होती है, सभी संपत्ति चोरी की होती है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, सभी संपत्ति चोरी की होती है, देख लेंगे इसको। उदारवाद का आर्थिक दर्शन क्या है, तो पूंजीवाद है। इतिहास की भौतिक वादी व्याख्या किस विचारक ने प्रस्तुत किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स ने जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है। पूंजीवाद का अंतिम चरण क्या है, तो साम्राज्यवाद है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यता किसका संश्लेषण है, तो ये है समाजवाद और कल्याणकारी राज्य जो है
ये साम्यवाद नहीं होगा, कल्याणकारी राज्य उदारवाद तथा समाजवाद का एक संश्लेषण है। सही आंसर इसमें ए हो जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से किसका संश्लेषण है? तो इसमें जो हो जाएगा उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो द मैन ऑन द हार्स बैक जो है ये फाइनर की किताब है, द मैन ऑन द हार्स बैक, ये कार्ल मार्क्स की किताब नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। लेवियाथन किसकी पुस्तक है? तो ये हॉब्स की पुस्तक है। आई होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ये दूसरा वीडियो था, और चैप्टर्स जो बचे हैं उनके वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।